हाय गाइस, वेलकम बैक टू मोमेंट व्यू। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ फन फूड चॉकलेट केक का रिव्यू। ये केक उनके लिए है जो बहुत ही जल्दी केक बनाना चाहते हैं, जिनके पास टाइम कम है और वो चाहते हैं कि फटाफट से केक रेडी हो जाए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने के पहले जल्दी से फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। फन फूड चॉकलेट केक का पैकेट कुछ इस टाइप से आता है। ये हाफ के जी का पैकेट है और इसकी प्राइस है सिर्फ 99 रुपीज। तो इसमें सिर्फ बताया गया है कि ओनली 3 इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, जिसमें से एक है ये फन फूड का चॉकलेट मिक्स, और सेकेंड आपको बटर चाहिए 100 ग्राम्स, और 100 ग्राम्स का आपको इजीली क्यूब मिल जाएगा बटर का, और 150 दूध या पानी 150 ml आपको चाहिए। तो यहाँ पर मैंने बटर को मेल्ट करके ले लिया है, और 150 ml आपको दूध चाहिए, दूध या पानी ये ऑप्शनल है। तो चलिए पैकेट ओपन करके देखते हैं। पैकेट ओपन करने के बाद अंदर में एक छोटा पैकेट रहता है इस तरह का कुछ। तो चलिए पहले इसको साइड में रखते हैं, और पहले बटर को मैंने एक बॉल में ले लिया है, और दूध हमें जितना चाहिए ये केक बनाने के लिए उसमें से थोड़ा सा मैंने अभी ऐड किया है, और थोड़ा सा हम लोग बाद में ऐड करेंगे। तो इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, ताकि बटर अच्छी तरीके से दूध में मिक्स हो जाए। बटर मैंने मेल्ट कर लिया था, और दूध जो मैंने लिया था वो रूम टेम्परेचर पर मैंने लिया था। तो चलिए दोनों अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। अब हम लोग इसका पाउडर को, मिक्सचर को इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें, एक ही बार में सारा मिक्सचर आप लोग ऐड नहीं करें। पहले मैंने हाफ इसमें ऐड कर दिया है, और उसके बाद मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ कट एंड फोल्ड मेथड से। और बाकी का भी पाउडर मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और इसे भी मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर ले रही हूँ। दूध थोड़ा थोड़ा करके डालें, एक ही बार में दूध नहीं डालें, नहीं तो अगर केक का बैटर अगर बहुत ज़्यादा आपका पतला हो जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास इतना ही इस मिक्सचर है जितना इस पैकेट में है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके दूध डालें, और कट एंड फोल्ड मेथड से इसे मिक्स कर लेना है। ये केक जनरली उनके लिए है जो फटाफट से बहुत, जिनके पास टाइम कम है और जो केक बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए है ये केक। तो केक का बैटर अब हमारा रेडी हो चुका है, और यहाँ पर मैंने एक केक टिन को ग्रीस करके रख लिया है। मैंने इस पर बटर लगा दिया था, और थोड़ा सा 1 टेबलस्पून मैदा को चारों तरफ स्प्रेड कर दिया था, और अब मैं केक के बैटर को इसमें डाल दूंगी। और गैस पर मैंने प्री हीट करने के लिए एक बर्तन और पहले से रख रखा है, और इसे थोड़ा सा टैप कर ले ताकि अंदर एयर बबल्स वगैरह नहीं रहें। और यहाँ पर गैस पर मैंने एक बर्तन रखा है, आप चाहे तो कुकर भी ले सकते हैं, प्रेशर कुकर भी आप ले सकते हैं। प्रेशर कुकर का बट सीटी और उसकी रबर निकाल दें, और यहाँ पर मैंने इस टाइप की अंदर में जाली रख दी है, और उसके ऊपर मैंने केक रख दिया है। और अब इसका ढक्कन हम लोग अच्छी तरीके से ढक देंगे, और लगभग 40 मिनट्स के बाद जब मैंने देखा था, तो ये देखिए केक लगभग रेडी हो चुका था, अच्छे तरीके से ये फूल चुका था। टूथपिक डालकर देखते हैं, चेक कर लेते एक बार, ये अंदर से अभी और थोड़ा पके है, क्योंकि टूथपिक हमारा क्लीन नहीं बाहर आया था। तो उसके बाद मैंने 10 मिनट के लिए इसे और छोड़ दिया था, और 10 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटाकर देखा और टूथपिक डालकर देखा, तो ये केक अच्छी तरीके से बन चुका था, रेडी हो चुका था। तो गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया, और बस इसे पूरी तरीके से ठंडा होने दें, उसके बाद आप इसे बाहर निकालें। और ये चॉकलेट गनाश मैंने रेडी कर लिया है इसे केक को डेकोरेट करने के लिए। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूँगी। तो चलिए अपने केक को डेकोरेट कर लेते हैं। ये केक खाने में बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही यमी था। आप जैसे चाहें अपने केक को डेकोरेट कर सकते हैं, और इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें, उसके बाद इसे डेकोरेट करें। तो केक बनकर रेडी हो चुका है दोस्तों। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।